हमने अपने लास्ट ट्यूटोरियल में मैसूर के बारे में हम बात कर चुके थे, मैसूर की पॉलिसीज, उसमें जो एंग्लो मैसूर वॉर हुए उसके बारे में, और जो मैसूर के वॉर्स के, एंग्लो मैसूर वॉर्स के जो रीजंस थे हमने उसके बारे में भी डिस्कस कर लिया था। इसी के साथ में हम शुरू करते हैं बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी कब शुरू हुई थी? जून 1757 में। अब सबसे पहले बात करते हैं हम कि इसमें इवेंट्स कौन से थे, मतलब कि क्या क्या हुआ और कौन कौन सी रीजंस की वजह से बैटल ऑफ प्लासी शुरू होती है। तो सबसे पहले 1690 में जो औरंगजेब था वो ब्रिटिशर्स को अलाउ कर देता है ट्रेड करने के लिए, औरंगजेब अलाउ फॉर ट्रेड। मतलब कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो औरंगजेब को 3,000 रुपए देते हैं और 3,000 रुपए के बदले में जो औरंगजेब वो बंगाल में ट्रेड करने के लिए उसको एग्री कर जाता है। उसी के बाद में 1717 में फर्रुखशियार क्या करता है, ड्यूटी फ्री ट्रेड कर देता है। ड्यूटी फ्री ट्रेड का मतलब था कि जितनी भी कस्टम ड्यूटीज हैं या फिर जितने भी टैक्सेस हैं जो ट्रेड करने पे लगते थे वो यहाँ नहीं लगेंगे। मतलब कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो बिना किसी कस्टम ड्यूटी को दिए हुए, बिना किसी टैक्स को दिए हुए ट्रेड कर सकते हैं बंगाल में। इसी के साथ में उसने 38 विलेजेस दे दिए रेंट पर, विलेजेस दे दिए, और इसी के साथ में रॉयल मिंटिंग दे दी। रॉयल मिंटिंग का मतलब क्या था? रॉयल मिंटिंग जो थी वो थी कि जहाँ पर कॉइन्स जो है मिंट करे जा रहे थे फर्रुखशियार के नाम पर बंगाल में। पर होता क्या है कि ये जो रेंट पर विलेजेस थे 38 विलेजेस एंड रॉयल मिंटिंग, इसके लिए मुर्शिद कुली खान मना कर देता है। इस चीज के लिए मना कर देते हैं इन दोनों के लिए कि यहाँ पर जो है तुम्हें 38 विलेजेस रेंट पर नहीं मिलेंगे, दूसरा रॉयल मीटिंग हम तुम्हें नहीं देंगे। इसी के बाद में 1756 में क्या होता है, 1756 से पहले 1750s में जो ब्रिटिशर्स थे वो साउथ इंडिया में हार रहे थे फ्रेंच के हाथों, और फ्रेंच की जो पावर थी वो साउथ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, इसीलिए वो इसे काफ़ी ज़्यादा दुखी थे और वो चाहते थे कि कम से कम साउथ इंडिया ना मिला, कम से कम नॉर्थ इंडिया तो उनके हाथ में लग जाए, जो ट्रेड के राइट्स हैं वो कम से कम नॉर्थ इंडिया में तो मिल जाए और वो वहाँ पे तो अपना एक्सपेंड कर लें ट्रेड को। इसीलिए 1756 में होता है इसका इमीडिएट कॉज। अब इसमें होता क्या है, 1756 में जो ब्रिटिशर्स थे वो एक भगोड़िया जूसीटिव कृष्णदास को अपनी जगह देते देते हैं, मतलब कि उसको सेल्टर देते हैं। ब्रिटिश गिव सेल्टर टू जूसीटिव कृष्णदास को सेल्टर देते हैं। और दूसरी चीज जो होती है कि घसीटी बेगम, घसीटी बेगम जो ब्रिटिशर्स हैं उनको साथ देती हैं, या फिर ब्रिटिशर्स जो है वो इसी का जो अकाउंटेंट करते हैं घसीटी बेगम को। उस टाइम पे क्या हो रहा था कि जो सिराजुद्दौला था और घसीटी बेगम इन दोनों के बीच में वॉर ऑफ सक्सेशन हो रहा था। अब इसी वॉर ऑफ सक्सेशन के दौरान में जो ब्रिटिशर्स हैं वो हेल्प करते हैं किसी घसीटी बेगम की, और जो घसीटी बेगम है वो वॉर ऑफ सक्सेशन में हार जाती है और जो पावर चली जाती है सिराज के हाथ में। अब घसीटी बेगम चाहती थी उससे वापस बदला लेना, इसीलिए जो घसीटी बेगम है वो बाद में हेल्प करती है ब्रिटिशर्स की। इसी टाइम पे 1756 में क्योंकि जो पावर्स उसकी फ्रेंच की बढ़ रही हैं
तो जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते हैं उस टाइम पे, फोर्टिफाइड करते हैं फोर्ट विलियम को। ब्रिटिशर्स फोर्टिफाइड फोर्ट विलियम, अब ये फोर्ट विलियम को फोर्टिफाइड करते हैं और उसी के टाइम पे जो उसकी दीवारें थी फोर्ट की उस पे गन्स को रख देते हैं। अब जब ये गन्स रख दी जाती है फोर्ट विलियम की दीवारों पर, इसे क्या होता है सिराजुद्दौला को गुस्सा आ जाता है कि उसी की पावर होते हुए किस तरीके से ब्रिटिशर्स जो अपनी पावर्स को इंक्रीज कर रहे हैं। इसीलिए क्या होता है कि जो सिराजुद्दौला है वो गुस्से में क्या करता है, उस टाइम पे होती है ब्लैक होल ट्रेजेडी। कब होती है? 26 जून 1756 को। अब इस ब्लैक होल ट्रेजेडी में क्या होता है कि जो सिराज है वो 146 ब्रिटिशर्स को एक रूम में बंद कर देता है। जो सिराज है गुस्से में आकर सिराजुद्दौला 146 ब्रिटिशर्स को एक रूम में बंद कर देता है और ये रूम बहुत ही छोटा था कि वो लोग खड़े होने के अलावा मतलब अपना पैर भी नहीं हिला सकते खड़े होने के बाद में। तो ये 146 ब्रिटिशर्स जो है एक रूम में बंद कर दिए जाते हैं 26 जून को। और इसी के बाद में जब इन्हें बाद में अगले दिन खोला जाता है या फिर रूम से निकाला जाता है तो इन 146 में ओनली 26 ने सर्वाइव किया था, यानी 26 लोग ही बचे रहे। मतलब ये 146 में इतनी ब्रॉयल्टी के साथ में ये लोग मरे थे कि 26 ही सर्वाइव रहे 146 में से। इसी के बाद में इसी को कहा गया ब्लैक होल ट्रेजेडी, क्योंकि एक बंद कमरे में अंधेरे भरे कमरे में इन लोगों को बंद करा गया था सिराज द्वारा। अब उसी टाइम पर जो है फ्रेंच एंग्लो फ्रेंच सेकेंड स्ट्रगल चल रहा था एंग्लो फ्रेंच का, और उसी को इसके ख़त्म होने के बाद ही जो ब्रिटिशर्स का था जो ब्रिटिशर्स की साइड से था रॉबर्ट क्लाइव, वो इसमें जब ये हो रहा है जून में और इसके बाद में जो वो दिसंबर में आता है दिसंबर 1756 में, और जब वो दिसंबर में आता है तो इसी के बाद में ट्रीटी होती है। और उस ट्रीटी से पहले ही जो है जो घसीटी बेगम थी और उस टाइम के जो लैंड सॉरी मनी लैंडर्स थे जिसकी अमीर चंद एंड जगत गोसाई, ये लोग हेल्प कर रहे थे ब्रिटिशर्स की, क्योंकि उन्हें पता था कि जो उनकी इनकम होने वाली आगे वो किससे होगी, ब्रिटिशर्स से इनकम होगी उनकी। और घसीटी बेगम को बदला लेना था सिराजुद्दौला से, इसीलिए वो रॉबर्ट क्लाइव की हेल्प करते हैं और वो उसको इतना भड़का देते हैं कि तुम्हें इससे कॉम्पेंशनेट लेना चाहिए, तुम्हें इसके अगेंस्ट वॉर करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भर देते हैं रॉबर्ट क्लाइव के माइंड में। जब 1756 में वो आने वाला होता है उसी से कुछ टाइम पहले उसी टाइम पर जो सिराज है वो कलकत्ता का नाम कर देता है अली नगर। क्या कर देता है कलकत्ता का नाम अली नगर। इसीलिए जब रॉबर्ट क्लाइव आता है और 1756 में ट्रीटी होती है कलकत्ता में तो होती उसका नाम पड़ता है ट्रीटी ऑफ अली नगर। ठीक है, तो ये अली नगर ट्रीटी ऑफ अली नगर 1757 में होती है फरवरी में। और इसी ट्रीटी के दौरान सबसे पहले तो क्या करते हैं ये कि जो रॉबर्ट क्लाइव है वो इससे इस डैमेज के या फिर जो भी ये हुआ है मांगता है कॉम्पेंशनेट अमाउंट, मतलब कि जितने भी ट्रेजेडी तुमने की है यहाँ पर उसके बदले में तुम हमें पैसा दोगे। ये कहता है किसको सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लाइव।
पर इतना होने के बाद में भी ये अमाउंट लेने के बाद में भी लॉसेस के जो अमाउंट थे वो रॉबर्ट क्लाइव को देने के बाद भी रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है कि वो शुरू कर देता है बैटल। अभी जो है बैटल शुरू कर देते हैं और इस बैटल में ये जीत जाता है। उसका रीजन था कि जो उस टाइम पर मीर कि उस टाइम पर जो मीर जफर था वो इसकी हेल्प करता है वो ब्रिटिशर्स की हेल्प करता है जिसकी वजह से मीर जफर था कौन वो था कमांडर। कमांडर था मीर जफर। कमांडर के ही जब कमांडर खुद ही ब्रिटिशर्स के साथ में है तो उसकी जो आर्मी है वो किसी बात मानेगा मानेगी मीर जफर की। अब जो मीर जफर है वो पूरे कुक को क्या करता है अफेक्ट कर देता है अपनी बातों से जिसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स हैं वो इस आर्मी में जीत जाते हैं। दूसरी इनको हेल्प मिलती है घसीटी बेगम की जगत गोसाई की एंड अमीर चंद की। इन लोगों की हेल्प से क्या होता है कि रॉबर्ट क्लाइव हरा देता है सिराजुद्दौला को। तो यही थी बैटल ऑफ प्लासी। अब इसी बैटल ऑफ प्लासी के बारे में हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे इसके बाद में होता क्या है। कॉन्सिक्वेंसेस ठीक है। अब इसमें होता ये है कि सबसे पहला जैसे कि हमने बात करी ब्रिटिशर्स की पावर्स जो है बढ़ जाती है कहाँ पर बंगाल में पावर बढ़ जाती है। दूसरी चीज कि अभी तक जो ब्रिटिश वहां पे रूल कर रहे थे सॉरी जो ब्रिटिश अभी तक ट्रेड कर रहे थे वो कैसे कर रहे थे कि जो बुलियंस हैं वो आ रहे थे यूरोप से। यूरोप से बुलियंस आने के बाद में ब्रिटिशर्स उसका यूज कर रहे थे बंगाल में ट्रेड करने पे। पर अब ये होता है कि जब ये बैटल हो जाती है बैटल ऑफ प्लासी एंड पावर्स जो आ जाती है वो ब्रिटिशर्स के हाथ में आ जाती है एक तरीके से। तो अब जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्या करते हैं कि जो बुलियंस हैं वो बंगाल के यूज करे जाते हैं बंगाल में ट्रेड करने के लिए चाइना में ट्रेड करने के लिए एंड ऑल ओवर इंडिया में ट्रेड करने के लिए। ट्रेड करने के लिए बुलियंस कहाँ से ले जा रहे हैं बंगाल से। बंगाल के जो पावर्स हैं वो किसके हाथ में आ गई हैं ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गई हैं। इसी के साथ में क्या होता है कि जो उस टाइम पर कॉम्पनसेटेड अमाउंट मिलती है या फिर जो लॉसेस की अमाउंट मिलती है वो सिराज देते हैं 2.75 लाख। इसी के बाद में जब मीर कासिम को बना दिया जाता है रूलर तो 22.5 मिलियन देता है ब्रिटिशर्स को। इतने पैसे तो इन्हें इसी यहीं से मिल जाते हैं ब्रिटिशर्स को जिसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होते हैं। दूसरा बंगाल में पूरा फ्री ट्रेड किसका शुरू हो जाता है ब्रिटिशर्स का पावर इंक्रीज हो जाती है और ये एक तरीके के मास्टर्स निकल के आते हैं कहाँ के बंगाल के। तो इसी के बाद में कॉन्सिक्वेंसेस में ये होता है कि टोटल एवरेज जो हम बात करते हैं कि ब्रिटिशर्स की जो पावर है वो बढ़ जाती है बंगाल के अंदर पूरी तरीके से। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे बैटल ऑफ बक्सर की।